मॉड्यूल है, काफ़ी वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ। इससे पहले वीडियो में लेकर आया था यहाँ की, और आज का जो गल्ला है, गल्ला अब गल्ले की जो स्पीड है वो गल्ले की स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है। ये गल्ले की स्पीड है, और आटे की जो क्वालिटी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल महीन आटा है भाई, बहुत मुलायम, इस तरीके से हाथ से गिरा हाथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने आया हूँ काजीपुरा वाले सिस्टम पे। आज का मौसम बिल्कुल धूप नहीं है भाई, सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा, और 32 पैनल लगे हुए हैं ये। और अभी क्या है कि चक्की पे जो गल्ला चल रहा है वो दिखा देता हूँ। चक्की पे गल्ला चल रहा है इतना, और उसके बाद आटे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। यह है आटे की क्वालिटी, बिल्कुल महीन आटा, और हाथ पे गिराऊंगा चिपक जाएगा, बहुत ज़्यादा बारीक आटा है ये क्वालिटी। और ये भी आए हैं हमारे पास पटना से। कैसा चल रहा है भाई सिस्टम? धूप तो नहीं है, बस आहट है धूप की। धूप की आहट है, देखो धूप दिखा देता हूँ भाई। सूरज बिल्कुल रत्ती भर नहीं है कहीं भी, किसी भी एंगल में। यहाँ हमारे सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं, और ये देखिए बिल्कुल धूप नहीं है। और शैडो कंडीशन नीचे दिखा देता हूँ, किसी भी तरह की कोई शैडो नहीं है। और जो सिस्टम चल रहा है हमारा, ये गल्ला चल रहा है, और इस समय जो जनरेशन आ रही है वो जनरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 14-15 एमपी लेके चल रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे जो वोल्टेज है वो थोड़े कम है, तो इस वजह से एम्पियर ज़्यादा लेके चल रही है। ऊपर जनरेशन जो आ रही है 11-12 एम्पियर ऊपर से डीसी साइड से आ रहे हैं, यानी कि डीसी साइड से 11-12 एम्पियर आ रहे हैं। और जो मोटर 16-17 जो दिखा रही है एम्पियर, वो इस वजह से दिखा रही है कि यहाँ मोटर को वोल्टेज थोड़े कम जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर 15-16 एम्पियर जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा धूप और बढ़ जाएगी तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे, और डॉट की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 37-38 जैसे मैं बताता हूँ कि जीरो की फ्रिक्वेंसी वाली ड्राइव है ये, तो उसी तरीके से ये वर्क करती है भाई। बिल्कुल और भी नीचे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो बराबर चलती रहेगी। अभी 40 हो गई है फ्रिक्वेंसी, अभी क्या ना कि थोड़ा और बढ़ने लगी है, 42 हो गई है, तो यहाँ जनरेशन और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। यानी कि जो ऊपर से आने वाला एम्पियर है वो 16 एम्पियर होगा भाई, डीसी के 16 एम्पियर। और जो जनरेशन है, जो धूप की कंडीशन है, अब थोड़ी सी धूप प्लस हो गई है। अब ये सामने गाड़ी खड़ी है, उसकी शैडो कंडीशन आने लगी है, तो उसमें क्या गल्ले का क्वालिटी जो है, गल्ला जो है, गल्ले की स्पीड और बढ़ गई है। आप देख पा रहे होंगे गल्ले की स्पीड और बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ थोड़ी धूप होने लगी है। और एक भैया हमारे साथ ही आए हुए हैं, पटना से हैं, और यहाँ पे जो सिस्टम हमने लगा के स्टार्ट कर रखा है, तो यहाँ लगभग समथिंग राउंड फिगर 1 साल हो चुका है। और पटना से यहाँ तक जो चल के आए हैं, केवल इसी बेस पे देखने के लिए आए थे कि भाई मौसम गंदे में चलता है कि नहीं चलता है। तो अभी क्या ना, भैया को वो मौका मिल गया है, बिल्कुल क्लाउड वेदर से हमने ये सिस्टम चला के और इन्हें भैया को दिखवा दिया है, और जो परफॉर्मेंस है भैया के सामने है। भैया आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट। जिस समय आए थे यहाँ पे तो धूप वगैरह थी कि नहीं? अभी बस जस्ट धूप निकली अभी, तो अभी के साथ गल्ला जस्ट डबल हो गया है, क्योंकि अभी जो ना जनरेशन है वो 16-17 एम्पियर प्लस जाने लगी है। और हमारे जो पैनल पे हमारा जो कहना होता है कि जितना हमारे पैनल पे एम्पियर लिखे हुए हैं उतना एम्पियर का लोड हम चला के देते हैं, अगर हम नहीं चला के देते तो आपका पैसा वापसी, अपना सिस्टम हम खोल के ले आएंगे, ये हमारा कहना होता है। तो अभी फिलहाल जितना परफॉर्मेंस है बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है, संतोषजनक है कुल मिला के। तो अभी क्या ना कि मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया है, और मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। मॉड्यूल है, काफ़ी वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में लेकर आया था यहाँ की, और आज का जो गल्ला है, गल्ला अब गल्ले की जो स्पीड है वो गल्ले की स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है। ये गल्ले की स्पीड है, और आटे की जो क्वालिटी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल महीन आटा है भाई, बहुत मुलायम, इस तरीके से हाथ से गिरा, हाथ चिपक गया है ये देखिए, तो ज़बरदस्त क्वालिटी है।
तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।